गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका यूनिक एजुकेशन के ऑनलाइन चैनल पर। आज के वीडियो में हम विभिन्न कंपनियों, जो मोबाइल कंपनियां हैं और साथ में साथ जो गाड़ी उद्योग हैं, जो मोटर व्हीकल फोर व्हीलर बनते हैं, किस देश की कंपनियां बनाती हैं, कौन सी गाड़ी किस देश कंपनी बनाती है, यहाँ से क्वेश्चन पेपर में आते हैं, खासकर SSC और रेलवे के एग्जाम में यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। वीडियो बहुत छोटा होगा लेकिन आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, तो अच्छा अतः आप इसको अच्छे से एक बार देख लीजिए और जो आपको जरूरी लगे इसको नोट भी कर लीजिएगा। अगर आप चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो लोग तैयारी कर रहे हैं अपने उन ग्रुप में भी शेयर कर दीजिए जहाँ पर लोग तैयारी भी करते हैं। और साथ ही साथ अगर आप UPP के एक गंभीर विद्यार्थी हैं, आप UPP की तैयारी कर रहे हैं, तो आप इस चैनल पर जो टेस्ट सीरीज शुरू की गई है आप उस टेस्ट को जरूर लगाइए, क्योंकि आपके पेपर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा और आपको बहुत सारी जानकारी यहाँ से मिलेगी। चलिए शुरू करते हैं, पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, मतलब डाटा विंड कंपनी मोबाइल कंपनी है, डाटा विंड किस देश की है? कनाडा की है। डाटा विंड कंपनी के बारे में आप नहीं सुने होंगे क्योंकि आप इसका मोबाइल नहीं यूज कर रहे होंगे, क्योंकि ये कनाडा की कंपनी है और ये मोबाइल इसका बहुत कम ही भारत के मार्केट में आता है। ये देखिए, ये है डाटा विंड, यही डाटा विंड कंपनी है, कनाडा की है, ध्यान रखिएगा इसका। चलिए अगला देखते हैं। अगली कंपनी है कुलपैड, जियोनी, हेयरर, आनर, लेनोवो, वन प्लस। आप इनका भी फ़ोन यूज किए होंगे, खासकर लेनोवो और वन प्लस का, तो ये भी चाइना की कंपनी, मतलब चीन की कंपनी के ही हैं, चीन के उत्पाद हैं, चीन में बनते हैं और भारत में आकर बिकते हैं। ये देखिए, ये लेनोवो का मोबाइल भारत में बिकता है बहुत धड़ल्ले से, तो याद रखिएगा आप इसको भी। अगला देखते हैं, अगला है वीवो और जियोमी, ये भी चीन के ही हैं। भारत के मार्केट में वीवो तो इस समय बहुत बिक रहा है, अगर हम भारतीय उत्पाद को बढ़ावा देना चाहते हैं तो हमें विदेशी उत्पादों को नकारना होगा। वीवो भी चीन की कंपनी का है और भारत के मार्केट में छाया हुआ है, बहुत ज़्यादा बिक रहा है ये। चलिए अगला देखते हैं, अगला है नोकिया, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार पेपर में आ गया, खासकर SSC के पेपर में बहुत बार आता है, CGL में कई बार आया हुआ है। नोकिया किस देश की कंपनी है? नोकिया फिनलैंड कंपनी है। एक समय था पूरे विश्व में नोकिया ही छाया हुआ था, हालांकि अब मार्केट इसका डाउन हो गया है, लेकिन नोकिया आज भी पूछा जाता है किस देश की कंपनी है, तो याद रखिएगा नोकिया फिनलैंड की कंपनी है, ध्यान रखिएगा थोड़ा इसका। नोकिया का मार्केट आज भी है लेकिन उतना नहीं जितना पहले था, तो नोकिया फिनलैंड कंपनी है। चलिए अगला देखते हैं, हालांकि वीडियो थोड़ा छोटा होगा लेकिन आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इन सबको आप ध्यान से रखिए देखिएगा। आईवॉल, इंटेक्स, कार्बन, SCL, जियो, लाइफ, आईवॉल, माइक्रोमैक्स और स्पाइस, इस सब की सब मोबाइलें कहाँ की हैं? इस सब की सब कंपनी भारत की है, तो अगर आप भारतीय उत्पाद को बढ़ावा देना चाहते हैं तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इनको आप खरीदिए, इनके उत्पाद को आप खरीदिए, इससे भारतीय लोगों को भी रोजगार मिलेगा और ये कंपनियाँ भी भारत में चलेंगी अच्छे से। इस सब की सब आप सब इनको याद कर लीजिएगा, ये सब की सब भारत की हैं, ध्यान रखिएगा इसको। ये देखिए इंटेक्स और ये माइक्रोमैक्स, ये सब की सब कहाँ कंपनी है? भारत की कंपनी है, ध्यान रखिएगा आप। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है सनसुई और सोनी कंपनी। सोनी कंपनी आप जानते होंगे, इसके मोबाइल, लैपटॉप्स और भी चीज़ें बहुत मार्केट में बिकती हैं। कहाँ की है सनसुई और सोनी कंपनी? ये है जापान की। ये सब कहाँ, ये कहाँ कंपनी है? जापान की है। ये देखिए, ये है सोनी कंपनी का मोबाइल, तो सोनी कंपनी कहाँ की है? जापान की है। चलिए अगला देखते हैं, अगला है फिलिप्स, बहुत नाम सुने होंगे आप इसका। फिलिप्स कहाँ कंपनी है? नीदरलैंड की कंपनी है, ध्यान दीजिएगा, फिलिप्स जो है नीदरलैंड की कंपनी है। फिलिप्स के मोबाइल, TV और खासकर रेडियो भी आते हैं, तो फिलिप्स बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ब्रांडेड चीज़ है, आप इसको याद रखिएगा। फिलिप्स जो है नीदरलैंड की है, याद रखिएगा, जबकि सनसुई और सोनी ये जो है जापान के हैं। माइक्रोमैक्स भारत का है, उसको आप याद रखिएगा। अगला देखते हैं LG और सैमसंग। LG फोन और सैमसंग का फोन आप यूज करते होंगे, दक्षिण कोरिया का है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा, दक्षिण कोरिया का है ये सब। ये देखिए LG और सैमसंग, ये दक्षिण कोरिया के हैं, ध्यान दीजिएगा आप। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है एसर और आसुस। एसर और आसुस कहाँ की कंपनी है? ये ताइवान की कंपनी है, ताइवान की राजधानी ताइपे है, तो एसर और आसुस कंपनी कहाँ की है? ताइवान की है। ये देखिए, ये एसर कंपनी के मोबाइल्स हैं, ताइवान की है, ध्यान दीजिएगा आप इसको। अगला देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत आप इसका नाम सुनते होंगे, खासकर जो उद्योगपति या फिर जो बड़े लोग होते हैं उनके हाथ में इसका मोबाइल मिलता है, एप्पल का, एप्पल का फ़ोन, माइक्रोसॉफ्ट का और डेल का। डेल का तो लैपटॉप भी बड़ी मात्रा में बिकता है, आप यूज भी करते होंगे, तो एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट मोबाइल, माइक्रोसॉफ्ट मोबाइल और डेल,
ये कहाँ की हैं? तो ये तीनों के तीनों अमेरिका की कंपनी है, याद रखिएगा आप। ये देखिए, ये एप्पल और ये डेल का लैपटॉप है, इम्पोर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा आप। इस पर भी पेपर में आ सकता है पेपर क्वेश्चन। चलिए कुछ कंपनियां और भी हैं, उनको भी देख लेते हैं। अगली कंपनी है वाहन कंपनी, मतलब फोर व्हीलर बनाने वाली कंपनियां हैं, इनसे भी क्वेश्चन पेपर में आते रहते हैं, तो इनको भी आप ध्यान दीजिएगा। आप इनके नाम सुने होंगे तो आप आज जान जाएंगे कौन किस देश की कंपनी है और कौन सा वाहन बनाती है। तो पहला यहाँ देखते हैं, पहला है टोयोटा, निसान, होंडा, सुजुकी। ये जो टोयोटा बनाती है, टोयोटा कंपनी है, जो निसान कंपनी, जो होंडा कंपनी, जो सुजुकी कंपनी है, कहाँ की है? तो ये सब की सब जापान की कंपनी है। जापान में ही इनका मैन्युफैक्चरिंग होता है और उन्हीं के बनाए मार्केट हमारे मार्केट में बिकते हैं और देश के अन्य भागों में भी बिकते हैं। तो टोयोटा, निसान, होंडा, सुजुकी, सबके सब जापान, सबके सब जापान। ये देखिए, ये टोयोटा कंपनी की कार है, तो टोयोटा जापान की है, इसको याद रखिएगा आप। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है वॉक्स वैगन, डैमलर, BMW, किस देश की कंपनियां हैं ये? तो ये हैं जर्मनी की, इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। ये सब की सब जर्मनी की कंपनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा इसको। ये देखिए, ये वॉक्स वैगन, डेमलर और ये BMW बहुत महंगी कारें हैं और सब की सब कहाँ बनती हैं? ये सब की सब जर्मनी में बनती हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हुंडई, हुंडई कंपनी और किया कंपनी किस देश की कंपनी है? तो ये है दक्षिण कोरिया की। हुंडई कंपनी और किया कंपनी, ये दक्षिण कोरिया कंपनी है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा आप इसको भी। ये देखिए, हुंडई कंपनी की कार है ये, इंपॉर्टेंट है, और किया कंपनी का, तो ये दोनों ही दक्षिण कोरिया की कंपनी है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जनरल मोटर्स और फोर्ड, फोर्ड का नाम आप सुने होंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, फोर व्हीलर कंपनी है। तो जनरल मोटर्स और फोर्ड कहाँ की है? तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका की है, इंपॉर्टेंट है, ये भी याद रखिएगा आप। ये देखिए, जनरल मोटर्स और ये फोर्ड, ये दोनों की दोनों अमेरिका की कंपनी के हैं, याद रखिए। चलिए अगला देखते हैं। अगला है फिस्ट क्रिसलर ऑटोमोबाइल, ये कहाँ की है? तो ये इटली और अमेरिका दोनों जगह में इसकी कंपनी है, तो इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। कहाँ की है? इटली और अमेरिका दोनों जगह। फिस्ट क्रिसलर, आप इसका नाम भी नहीं सुनेंगे, बहुत कम इंपॉर्टेंट है, लेकिन ध्यान दीजिएगा, पेपर में आ भी सकता है। ये देखिए उस कंपनी की कार, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा आप इसका भी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है रेनाल्ट, रेनाल्ट किस देश कंपनी है? ये कार बनाती, फोर व्हीलर बनाती है, किस देश कंपनी है? तो ये फ्रांस की है। अभी फ्रांस से राफेल आया था, आपको याद होगा, तो कितने राफेल आए थे आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि राफेल के लिए कितने राफेल का समझौता हुआ है और कितने राफेल आए हैं, आप इसको जरूर बताएंगे कमेंट बॉक्स में। और ये देखिए आप, रेनाल्ट जो है ये फ्रांस की कंपनी है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा आप। ये देखिए रेनाल्ट कंपनी की कार, तो याद रखिएगा आप, इंपॉर्टेंट है ये। और आज की लास्ट कंपनी देखते हैं, चगान, ये भी फोर व्हीलर बनाती है, कहाँ की कंपनी है? तो ये चीन की कंपनी का है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चगान कहाँ की है? तो चगान जो है चीन की कंपनी का कार है, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा आप इस पर भी। चगान चीन की कंपनी का कार है, इसको आप, इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा आप इस पर। ये देखिए चीन की कार, चगान कंपनी की कार है, काफ़ी अच्छी कार है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर आपके एग्जाम की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण टॉपिक थे उसको हम कंप्लीट करते हैं और नेक्स्ट वीडियो में फिर एक नया टॉपिक लेकर फिर से आएंगे। तब तक आप इसको रिवीजन करके, आप जितनी बार हो सके आप उतनी बार इसका रिवीजन करिए, जितना रिवीजन करोगे उतना ज़्यादा तैयार होगा, प्लस आपके पेपर के लिए और जनरल नॉलेज के लिए बहुत ज़रूरी है ये सब, तो आप अच्छे से तैयार कर लीजिए। और अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप पढ़ते रहिए।